ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषा आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। खबर मध्य प्रदेश से है जहां के एक कॉन्वेंट स्कूल माँ छात्रन का जय श्री राम के नारा लगाओ महंगा पड़ेगा। ये मामला माँ करीब 1.5 दर्जन बच्चन के ऊपर जो उन्हें कार्रवाई की गई है, कुल मिला के 30 बच्चन के ऊपर कार्रवाई की गई है। 1.5 दर्जन बच्चन का बता दें कि सस्पेंड कर दिन गहा एक बाद यह मामला जो उन्हें तूल पकड़ चला है। तो विदेश क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचे सभाजन का प्रणाम कहते शुरू करते बड़ी खबर से बता दें कि मध्य प्रदेश के सागर से यह मामला हैरान कर देवाला समूह आवा है। जय श्री राम के नारा लगाए के बाद स्कूल प्रबंधन के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। स्कूल में कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के द्वारा जय श्री राम के जयकारा लगाए गए रहे। ये मामला में 1.5 दर्जन बच्चन का सस्पेंड कई दिन का है। तो यह मामला जो है शहर में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल के बतावा जाला है। बतावा जाता है कि लंच के दौरान 10वीं के विद्यार्थी अपने कक्षा में बैठे रहे, यही दौरान मस्ती में यह जयकारा लगाए गए। जैसे यह बात स्कूल प्रबंधन के लगे पहुंची तो लगभग 30 बच्चन के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई कई के 1.5 दर्जन बच्चन का सस्पेंड कई दिन का, जबकि बाकी बच्चन का माफीनामा लिखवावा का है, उसके बाद इनका छोड़ा का। बता दें कि अब अभिभावकन के द्वारा बतावा गया कि स्कूल में बच्चा शिक्षकन की निगरानी में रहा था और अगर ऐसा हुआ है तो उनका समझाई से चेतावनी दी जा सकत रही है। स्कूल के द्वारा बता दी कि मामला में प्राचार्य सिस्टर गोली के कहा है कि लंच ब्रेक में कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के द्वारा हंगामा और जूनियर छात्रन का परेशान कीन गया रहा और यही बात कले कि एक प्रमुख विद्यार्थी का सस्पेंड कीन गया है। बता दें कि स्कूल के गेट पर इस दौरान जानकारी लगते है हंगामा होगा। सेंट जोसेफ स्कूल में जय श्री राम के जयकारा के बाद स्कूल बच्चन का सस्पेंड करे के मामला जो उन्हें धूल पकड़ चुका है। राष्ट्रीय बाल आयोग के द्वारा नोटिस जारी करे के बाद अधिकारी जांच करे खातिर विद्यालय पहुंच गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्कूल के गेट पर पहुंच के प्रदर्शन किएगा। बच्चन के ऊपर कार्रवाई होने के बाद स्कूल प्रबंधन के ऊपर कार्रवाई के मांग की गई है। बता दें कि सुरक्षा के दृष्टि से दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया रहा। इस मामले में डीईओ सागर अखिलेश पाठक के द्वारा कहा गया है कि बच्चन का अगर सस्पेंड किया गया तो यह गलत है, सबका अपन अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार है। यानी कुल मिला के बच्चन का जय श्री राम के नारा लगाओ महंगा पड़ेगा। कॉन्वेंट स्कूल की यह मामला है और ये बच्चन में माफीनामा तक कुछ बच्चन से लिखवावा गया है तो कुछ बच्चन का सस्पेंड कह दिन गया। अभी यह मामला जो है खासा सुर्खी में आ चुका है। एक द्वारा अधिकारियों के द्वारा संज्ञान में लिया जाला है। वह स्कूल प्रशासन के जो है ऊपर कार्रवाई की मांग लगातार की जाला है। बता दे इजाजत रखिए आप अपने परिवार के ख्याल। प्रणाम।